तो भाई साहब, इटवा विधानसभा 305, जितने भी प्रत्याशी लड़ रहे हैं सब प्रचार में अपना दमखम झोंक रहे हैं। अब इलेक्शन करीब ही है, क्योंकि हमारे यहाँ छठवें चरण में मतदान होना है 3 मार्च को। इसलिए जितने भी प्रत्याशी हैं सब लोग अपना दमखम झोंक रहे हैं। 305 इटवा विधानसभा क्षेत्र में जितने भी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, वैसे तो 4 लोग लड़ रहे हैं सिंबल लेकर, वो सब अपना दमखम झोंक रहे हैं। अब आप बताइए, इटवा विधानसभा से कौन सी पार्टी जीत सकती है? समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भाजपा या फिर कांग्रेस? इस विधानसभा से कौन सी पार्टी चुनाव जीत सकती है? और अब की बार विधायक के लिए कौन हो सकते हैं, अब की बार विधायक कौन बन सकते हैं? क्या पुराना ही चेहरा रहेगा या कोई नया चेहरा आएगा? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मैं अभी 5 दिन से किसी गांव में नहीं गया हूं, और मैं इंशाल्लाह कल से गांव में जाऊंगा और लोगों से उनकी बातों को आपके सामने रखूंगा, लोगों से कुछ सवाल करूंगा, जो उनके मन में रहेगा वो जवाब देंगे और आपके सामने मैं वीडियो के जरिए दिखाता रहूंगा। तो दोस्तों, हमारी वीडियो को शेयर करिए और चुनाव का भी आप लोग लुत्फ लीजिए, क्योंकि चुनाव पे चर्चा हम करते हैं, गांव-गांव में जाते हैं। और भाई, हम सच बता रहे हैं कि हम खुद के पैसे का सब कुछ करते हैं भाई। मतलब कि जैसे बहुत से लोग होते हैं, तुम्हें पैसा मिलता है क्या रिपोर्टिंग करते हो? भाई पैसा कुछ नहीं मिलता है भाई, लेकिन हम जाते हैं। और आप लोग बस शेयर कर दीजिए करिए भाई, मैं इतना ही कहता हूँ। शेयर करने से कोई किसी का पैसा नहीं लगता है, तो आप लोग हमारी वीडियो को शेयर कर दीजिए। और 3 मार्च को हमारे यहाँ मतदान होना है, तो जितने भी प्रत्याशी हैं अपना दमखम झोंक रहे हैं, चाहे वो कोई भी प्रत्याशी हो, क्योंकि भाई सबको ये उम्मीद रहती है कि मैं इस बार जीतूँगा, तो इसीलिए सब अपना दमखम झोंक रहे हैं। अब आप बताइए कमेंट करके कि कौन सी पार्टी इस विधानसभा से अब की बार बाजी मार सकती है। आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा।